आपका स्वागत है वाईफाई स्टडी 4.0 नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम आगे पढ़ते हैं। शुष्क शैल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह होती है रासायनिक ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो मित्रों, आप बताइए इसका आंसर। तो यह होती है रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक वसा द्वारा प्राप्त होती है, जबकि शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। जब एक वस्तु का वेग दो गुना हो जाता है तो इसका संवेग भी दो गुना हो जाता है। वेग को यदि दो गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संवेग भी दो गुना हो जाएगा। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग होगा ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा E=P²/2m, तो P यानी कि संवेग बराबर √2mE। इससे स्पष्ट है कि वस्तु का संवेग द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अतः मित्रों, वस्तु का संवेग द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अतः भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से अधिक होगा। एक किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग के। कार्य एक अदिश राशि है। एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है तथा सी जे एस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10^7 अर्ग, जबकि एक अर्ग बराबर 10^-7 जूल होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल ही टॉर्क कहलाता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है फ्लैट। एक गोल आंतरिक कोना फ्लैट कहा जाता है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी कि स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं? तो लगाए जाते हैं गाड़ियों द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? तो रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़ के रखना। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त की जाती है क्लच। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन से गति मुक्त कर देता है, जिससे शक्ति पावर को कार्य में समपरिवर्तित नहीं कर पाती। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न हैं, क्योंकि रॉकेट तथा जेट में मुख्य अंतर यह है कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है, जबकि जेट प्लेन में ईंधन कैरोलीन या पैराफिन होता है, जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जबकि रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है। दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है, तो डंडों की कुल लंबाई क्या होगी? दो डंडों की लंबाई क्रम से दी गई है, उनका योग 10.334 यानी कि 10.3 सार्थक अंकों में होगा।
परंतु दोनों लंबाइयों में न्यूनतम सार्थक अंक दशमलव में एक स्थान तक ही लिया जाता है, इसलिए सार्थक अंकों का योग 10.3 होगा। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी मित्रों? तो उस पहाड़ी की ऊंचाई होगी प्रारंभिक वेग वस्तु का 0 मीटर प्रति सेकंड, और इसके द्वारा लिया गया समय 8 सेकंड हो गया मित्रों, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तथा पहाड़ी की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट निकालने के लिए यू की वैल्यू 0, टाइम है 8 सेकंड, प्लस हाफ जी ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी 9.8, और त्वरण सॉरी टाइम टाइम 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 313.6 मीटर। निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो गति को नापने में नॉट का उपयोग जलयानों यानी जहाज पनडुब्बी आदियों की गति के मापन में किया जाता है। यदि किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी मित्रों 46% की। टायरों में 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा मित्रों। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर, जहां पर कोई घर्षण नहीं है वहां पर पिंड का जो भार है वह शून्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसके घर्षण का कोई फर्क नहीं होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका भार तो परिवर्तित हो जाएगा किंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। किसी गैस के आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो उसका दाब 25% तक बढ़ाना होगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। आई रिपीट, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है, रेन गेज से वर्षा की मात्रा, तथा नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति, और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से मापते हैं भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। धारा की सामर्थ्य को वोल्ट में एवं सुनाई देने वाली ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, उसके अंतर को। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट एक समान गति के साथ या समान त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही हो। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वह उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में कई चरणों वाले रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, यानी कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है। एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले तथा स्थान ए से चक्कर लगाकर बी पर स्थित एक मंदिर तक जाकर वापस ए लौट आया। एक 12 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है। ए,
तथा दूसरा बी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से एक नाव से जाता है। यदि नदी का बहाव 4 किमी प्रति घंटा हो तो दोनों मित्रों में से कौन ए पर पहले लौटेगा? साइकिल से जाने वाला स्थान ए पर पहले पहुंचेगा। अब ये निम्न न्यूमेरिकल है मित्रों, जिनको आप देख करके समझ सकते हैं। एक शिकारी वृक्ष पर लटके हुए बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने की ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद करेगी, बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, बंदर के सिर के नीचे चली जाएगी, या बंदर के सिर को छेद सकती है और नहीं भी, बंदर के सिर में छेद करेगी। गोली बंदर के सिर में छेद करेगी क्योंकि छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों पर समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। भौतिक तुला कार्य करता है, यानी फिजिकल बैलेंस किस पर कार्य करता है? समांतर बल के नियम पर। भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस किस पर कार्य करता है? तो यह करता है समांतर बल के नियम पर। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। अश्व शक्ति किसका एकक है? तो अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है। मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में भी व्यक्त किया जाता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट लगभग शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे रोमर। रोमर ने 17वीं शताब्दी में प्रकाश की चाल को मापा था। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आकृति में दिखाए गए चित्र के अनुसार इसके भीतर पी पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु संयुक्त के बीच के बल लगता है 0, क्योंकि उपर्युक्त दृश्य आकृति के भीतर पी पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु संयुक्त हैं, दोनों के बल 0 होगा, दोनों के बीच बल 0 होगा। 10 किग्रा का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, m मास, g ग्रेविटी और h हाइट। तो 10 × 9.8 × 10 बराबर 980 जूल। एक ही तरह की दो ट्रेन ए व बी एक ही चाल से एक दूसरे के समांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही हैं, तो ए पूरब से पश्चिम और बी पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, तो कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी? दोनों बराबर बल लगाएंगी। चूंकि लगाया गया बल द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, अतः दोनों ट्रेनों द्वारा समान बल लगाया जाएगा। क्योंकि दोनों ट्रेनों में दिशा के अतिरिक्त पूर्ण समानता है। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 56.25% वृद्धि हो जाएगी गतिज ऊर्जा। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किमी प्रति घंटे से 50 किमी प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण होगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है डायप्टर। एक लेंस की शक्ति एक डायप्टर होती है, जिसकी फोकस दूरी या लंबाई 1 मीटर होती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर
अवधि बढ़ती है क्योंकि टी समानुपाती होता है अंडर रूट एल के और घड़ी सुस्त हो जाने के कारण पीछे हो जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए यदि लंबाई चार गुना कर दी जाए। आई रिपीट, सरल लोलक यानी कि पेंडुलम का आवर्तकाल दोगुना हो जाए यदि इसकी लंबाई चार गुनी कर दी जाए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो इसकी समय अवधि दोगुनी हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है, तो इनमें से कोई नहीं, एक सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन का काल कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे कल जल्द ही हम मुलाकात करेंगे।